जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं, प्रभु गुण गालिर गाले रे मानव तू अभी। जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। माँ के गर्भ में 9 महीने तक वचन भरे थे खूब, अब याद न आए कहाँ से खाना कहाँ से पानी कहाँ से बन रहा खून, कुछ समझ न पाए। हाथ पैर और आँखें सब कहाँ बना, बांध कटोरी अंदर क्या खूब रचा। तो प्रभु गुण गाले रे गाले रे मानव तू अभी। जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। बचपन बीता गली गली में मचा मचा कर धूम, बड़ी मस्ती छाई। माँ का आंचल पिता की उंगली दुनिया देखी घूम, पर समझ न आई। आचार्यों ने विद्या सब तुम्हें सिखाई, देश धर्म की शिक्षा हुई बहुत बड़ाई। तो प्रभु गुण गाले रे गाले रे मानव तू अभी। जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। धन दौलत और माया जोड़ी मचा मचा के लूट, फिर काम न आई। गाड़ी कोठी कार खरीदी आभूषण भरपूर, बड़ी अकड़ दिखाई। रंग रूप तेरा दम के भला यौवन छाया, बन ठन के तू चलता कभी होश न आया। तो प्रभु गुण गाले रे गाले रे मानव तू अभी। जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। दुनियादारी छूट गई जब कोई न आया काम, लगे भक्ति प्यारी। दान दक्षिणा करे भंडारे ले ईश्वर का नाम, तेरी लीला न्यारी। तन ढीला मन टूटा राज समझ न आया, ऋषि मुनियों ने गुण तेरा यूं ही ना गाया। तो प्रभु गुण गाले रे गाले रे मानव तू अभी। जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। बड़ा सुंदर भजन। देखिए भजन में हमें क्या बता दिया, पूरे जीवन का नक्शा आ गया। शुरू शुरू में प्रथम 2 पंक्तियों में क्या बताया, प्रभु गुण गाले मानव जब समय निकल जाएगा गा पाएगा नहीं। तो क्या बता दिया, जीवन के लक्ष्य
हमारे मानव देह मानव तन का मुख्य लक्ष्य क्या है, प्रथम दो लाइनों में तो वो बता दिया कि तुम्हें ये जो नर्तन मिला है तो ईश्वर का गुणगाना अर्थात उसकी गुणगान करके उसके गुणों को धारण करके आचरण करके ईश्वर की प्राप्ति। तो इस तरह से हमारा मुख्य लक्ष्य भी बता दिया। फिर आगे क्या बताते हैं, माता के गर्भ में देखो कितना जीवात्मा बड़ा कष्ट उठाता है ना, और फिर कितनी प्रार्थनाएं करता है, हे प्रभु छुड़ा दे, मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं खूब सारी भक्ति करूंगा, मैं शुभ कर्म करूंगा। पर जब आया बाहर सब कुछ भूल जाता है, फिर माता पिता का इतना प्यार दुलार प्राप्त करता है, गुरु आचार्यों की शिक्षा प्राप्त करता है, और ये सारा कुछ प्राप्त करने के बाद बड़ा ज्ञानवान हो जाता है, उसको फिर क्या होता है, खूब सारा धन भी कमा लेता है, गाड़ी बंगले और ज्वेलरी आभूषण आदि आदि महंगे महंगे सब कुछ सारा जो बाजारों में है वो घरों में एकत्रित कर दिया। फिर उसके साथ क्या आ गया, अब तो बड़ा अभिमान आ गया, मैं तो बड़ा ज्ञानवान, मैं बड़ा धनवान, मुझ जैसा कोई नहीं, मुझे आता है सब कुछ। माता पिता जिन्होंने इतना त्याग तपस्या दे के उसकी भी अवहेलना करना, गुरु आचार्यों से शिक्षा दे के जो पद प्राप्त किया उनकी भी अवहेलना करना, अभिमान आ गया ना। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो सारे सद्गुणों को, अहंकार काफूर की तरह, कपूर होता है ना, कपूर क्या करता है, हवा क्या करती है, कपूर को उड़ा के ले जाए, उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देती है। तो अभी अहंकार भी ऐसा है, अहंकार मात्र एक अहंकार घमंडी जिसको अकड़ू हम सब इसके नाम है, जिसको अभी माना जाता है ना, फिर बस उसको उसके सामने किसी की माता क्या पिता क्या गुरु आचार्य बड़े ना सबसे बड़ा मैं, मुझे आता मुझे आता मुझे, पर किस से आया, किसने सिखाया, अगर माता न होती पिता न होते गुरु आचार्य न होते बड़े बुजुर्ग न होते ईश्वर न होता वेद न होते तो तुम्हें क्या आता भला, सोचो। तो इस तरह से तब अभिमान के चक्कर में इस प्रकार का चिंतन रहता ही नहीं, बस मैं 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 ये मैं वो, मैं ये मैं वो, मुझे आता है मैं ये मैं वो। तो इस तरह से फिर अभिमान से बड़ी अकड़, देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई कि इतना अकड़ता है, धर्म ज्ञान ध्यान जिन्होंने सिखाया उन्हीं के सामने नम्रता सभ्यता ये गुण होने चाहिए ना। विद्या दधाति विनय, विद्या तो विनय सिखाती है नम्रता, पर हम अगर कुछ जरा सा भी प्राप्त करके फिर वो तो विद्या नहीं हुई ना। तो विद्या वास्तव में असली विद्या क्या है, विद्या का तात्पर्य ये है, आपको विद्यावान अगर किसी कोई विद्यावान को कहलाना है या जानना है समझना है कि हाँ फलां व्यक्ति विद्यावान, तो उसकी विद्या कोई उसके चार पुस्तक वो वेद सिर पे गले के घूमेगा नहीं, उसके आचरण से उसके कर्मों से उसकी सभ्यता उसकी नम्रता उसकी सहनशीलता उसके गुण आपको बताएंगे हाँ ये वास्तव में विद्यावान है। और अज्ञानी बस गुस्सा नाक पे होता है, मुझे बोला बोला क्यों क्यों बोला, उसकी अंत में नहीं जाना, बड़े जो भी होते हैं कुछ कारणवश बोलते, बिना कारण कभी नहीं बोलते, वो बड़ा ही क्या वो विद्वान ही क्या वो माता पिता ही क्या जो अकारण बोले, अकारण वो कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनको अपनी संतानें अपने शिष्य अपने विद्यार्थी बड़े प्रिय होते हैं, वो उनकी उन्नति चाहते हैं। तो उन्नति के लिए जब छोटी छोटी गलतियां नहीं निकालेगा तो फिर वो गलतियां बाहर वाले देखेंगे तो फिर उसकी उन्नति हो जाएगी, तो वो शुभ चिंतक होते हैं कि इसकी ये जो छोटी छोटी गलतियां अभी फिर बड़ी बड़ा स्वरूप ले लेगी और बाहर समक्ष सबके सामने फिर उस वो आदत हो जाती है ना, वो स्वभाव बन जाता है, फिर वो वैसा ही सुलूक सबके साथ करता है, वही व्यवहार उसको लगता है ये मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि माता पिता गुरु आचार्यों ने तो टोका नहीं था, तो उसको तो बेचारे को ऐसा ही लगा मैं ठीक ही कर रहा था ना, इसीलिए तो मुझे तो यही सही है, फिर उसका वो स्वभाव वो व्यवहार वैसा ही बन जाता है। इसीलिए माता पिता गुरु आचार्य का परम कर्तव्य कि छोटी से छोटी गलती भी उसको बताना, ना ये ठीक नहीं, ऐसा ना करो ऐसा करो ऐसा ना करो ऐसा करो, बस जीवन की यात्रा। तो इस तरह अपना पूरा जीवन फिर जीवन के तीन पड़ाव
जो सबको मालूम है, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। तो बचपन तो ऐसे ही खेल कूद में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, फिर यौवन में तो मस्ती छा गई, बड़ी नशा छा गया, मेरे जैसा बलवान, मेरे जैसा विद्यावान, मेरे जैसा शक्तिशाली, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो, बस उसी नशे में चूर, कैसे पता ही नहीं चला, यौवन भी गया। अब जब वृद्धावस्था आई, जब शक्ति, शरीर में शक्ति रही नहीं, शरीर जो शक्तिहीन हो गया, निर्बल, मन में भी कोई इतना वो उमंग उत्साह जोश नहीं रहा, कमाने के लायक रहा नहीं, बस फिर देखता है, फिर क्या सोचता है कि मैं चलो अब थोड़ी दान दक्षिणा दे दूं, हरिद्वार में जाके बड़े बड़े भंडारे करवाना, नाम लिखवाना मंदिरों में, इधर उधर मेरा नाम, मैंने 2 लाख, मैंने ये, मैं वो करना, वो करूँगा, भक्ति करता हूँ। फिर उसको क्या भ्रांति हो जाती है, मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो यहाँ बताते हैं ना ना ऋषि मुनि हमारे ऐसे ही थोड़ी बोल गए थे कि पहले से ही अच्छा व्यवहार, शुद्ध व्यवहार, सारी उम्र सबको दुख दिया, माता पिता गुरु आचार्यों को दुख दिया, रुलाया, और फिर गरीबों का शोषण करके धन एकत्रित किया, अब जाके हरिद्वार में और इधर उधर भंडारे किए, अब बताओ उससे कोई विशेष लाभ नहीं होना? इससे तो पहले से ही अच्छा सदव्यवहार, सबके साथ प्रेम पूर्ण धर्म। धर्म का अर्थ क्या है, ये हमारे जितने जो आते हैं मैसेजेस, उसमें भी कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें, धार्मिक बातें होती हैं। तो अपने ही ग्रुप में एक आचार्य है, वो प्रतिदिन वो संकल्प पाठ भेजते हैं, इतनी सुंदर बात लिखते हैं, वो कल वाली बात में भी उन्होंने इतनी सुंदर बात बताई कि जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रतिदिन हवन करता है, पूजा करता है, और झूठ बोलता है, दुख देता है, और इस तरह से सारा दुर्व्यवहार करता है, पता है क्या लिखा उसने, पता, वो अधर्मी है, वो आस्तिक नहीं, वो नास्तिक है, उसका सब व्यर्थ है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन चरित्र को बनाना, सद्गुणों से सद्गुणी बनना, ऋषि मुनियों वेदों का सबका यही सार निचोड़ एक ही है, सदाचार, सदव्यवहार। सदव्यवहार से क्या हो जाएगा, हमारा चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र के निर्माण से क्या होगा, हमारा मन शुद्ध पवित्र, मन शुद्ध है, साफ है, भाव शुद्ध है, तो शुद्ध मन से, पवित्र भाव से हमारा जीवन का लक्ष्य क्या बताया, स्वयं को जानना और परमात्मा को प्राप्त करना। तो स्वयं अर्थात कौन, हम आत्मा, तो आत्मा किसके माध्यम से हम जानेंगे, मन के माध्यम से, और मन अशुभ है, धुंधला है, भाव ठीक नहीं है, राग द्वेष अभिमान में लिप्त है, तो फिर हम ना स्वयं को जान पाते हैं, ना स्वयं की शक्ति, और ना हमारे अंदर परमात्मा है, फिर सब सारी की सारी चीज़ों से, असली बातों से हम वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए भजनों में भी बहुत सुंदर सुंदर बातें, सारी वेद की बातें बता दी, और आज हम एक मंत्र करेंगे, ऋग्वेद और सामवेद दोनों के अंदर ये मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है ये और सामवेद का मंत्र है। ओम प्रियो नो अस्तु विश्पतिर् होता मंद्रो वरेण्य प्रिया स्वग्नयो वयम्। ऋग्वेद का प्रथम मंडल 26वां सूक्त और 7वां उसकी मंत्र संख्या, और सामवेद में 16वां अध्याय और 19वां उसका मंत्र संख्या। तो दोनों वेदों में यह मंत्र, क्योंकि बहुत अधिक जो इतना हमारे जीवन में आवश्यक मंत्र होते हैं, वो दो दो तीन तीन वेदों में वो ही सेम के सेम एक ही उसकी आवृत्ति करते हैं, ताकि कोई मनुष्य अगर वो वेद न पढ़ पाया, वो पढ़ पाया, तो उसमें भी यह आवश्यक मंत्र वो करके अपने जीवन यात्रा को सुखद बना दे। तो हम अभी प्रथम इसकी शाब्दिक अर्थ करेंगे। तो क्या आया प्रथम पद में, प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर, प्रियो अर्थात प्रिय, नो अर्थात न हमें, प्रियो नो अस्तु मतलब होवे, हो जाए, विश्वपतिर, विश्वपतिर अर्थात विश्व का, जगत का स्वामी, परमपिता परमेश्वर, जिसने सारे विश्व को रचा, फिर सारे विश्व को धारण कर रहा है, चला रहा है, पालन पोषण कर रहा है, उस विश्वपति, जग
जगदीश्वर की क्या करें वो हमें प्रिय हो जाए। प्रथम पद क्या आया कि परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर हम सबको प्रिय हो जाए, प्रिय होने लगे। अब प्रिय क्यों होने लगे, प्रिय का अर्थ क्या है, प्रिय क्या अर्थ है कि जो हमें सुख देता है, जो हमें प्रसन्नता देता है वो प्रिय हो जाता है। तो ईश्वर क्या करता है, आगे दूसरे पद में हमें बहुत अच्छे से समझा दिया, प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर होता मंद्रो वरेण्यः। होता, होता का अर्थ है दाता, देने वाला। तो क्यों हमें प्रिय होना चाहिए ईश्वर, तो बता दिया क्योंकि वो दाता है, हम सबको देता है। तो अब मनुष्य की क्या, एक तो उसकी ये सबसे बड़ी भूल होती है, वो भूल जाता है किसी के भी उपकार। मनुष्य आपस में माता पिता के उपकार देखो भूल जाते हैं ना, इसीलिए तो माता पिता के साथ हम अभद्र व्यवहार नहीं तो कोई कर सकता है। अगर उनके हम उपकारों को ना भूलें तो कोई भी माता पिता उसके लिए सर्वोपरि होते हैं ना। प्रथम मेरी माता पिता, फिर गुरु आचार्य सब, ये इन सब का क्यों वो उपकार भूल जाता है ना। अगर उपकार नहीं भूलता तो फिर उसके सदव्यवहार शामिल होता, तो उपकार भूल जाता है। तो ईश्वर के उपकार भी हम मनुष्य भूल जाता है, इसीलिए एक तो ईश्वर में एक वो है हमारे समक्ष समस्या कि वो निराकार है, जिनको आकार है, जिनकी हम इतनी सेवाएं उपकार लेते हैं देते हैं उनकी भी हम कृतज्ञता करते हैं, उनकी भी कृतज्ञता भूल जाते हैं। तो फिर जो ईश्वर हमें दिखता नहीं, निराकार है, उसको भूलना भी थोड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि चलो दिखता नहीं, तो फिर उस और हमारी इतनी दृष्टि चिंतन मंथन नहीं होता ना। जब हम गहराई से चिंतन मनन करते हैं कि वो ईश्वर जिसने मेरे लिए ये सारे ब्रह्मांड की रचना की, मात्र ये थोड़ी थोड़ी बातें भी हम अगर जब उपासना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं या कभी कहीं समय खाली मिले तब इसका चिंतन करते हैं, तब हमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा ना, तभी प्रेम उत्पन्न होगा। तो गहराई से हम सोचें, क्या गहराई से सोचें कि मेरी खातिर, आत्माओं की खातिर किया है ना। ईश्वर तो निराकार और वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान, उसको सृष्टि की आवश्यकता नहीं, और सृष्टि प्रकृति तो जड़ है, तो प्रकृति को तो उसकी अपने स्वयं की पदार्थों की आवश्यकता नहीं, तो बच्चा कौन, मात्र हम आत्माएं बची। हम आत्माओं के लिए परम पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, करोड़ों सौर मंडल, करोड़ों सूर्य, करोड़ों पृथ्वियां, ये जो एक छोटी सी हमारी पृथ्वी तो इतनी छोटी सी है, इससे तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा, अनेक प्रकार से बड़ा है, छोटे छोटे तारे हैं उनमें लाखों लाखों पृथ्वियां समाई हुई है, अनेकों उसमें सूर्य, लाखों सूर्य समाये हुए हैं। आप सोचो ब्रह्मांड इतना बड़ा, इतनी बड़ी ब्रह्मांड की रचना परमपिता परमेश्वर ने क्यों करी। प्रकृति में से जड़ प्रकृति पड़ी थी ना, तीनों कण दूर दूर पड़े हुए थे, उनको एकत्रित करके उसमें से सारा इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा हमारे लिए, क्योंकि ये मेरे संतान आत्माएं मूर्छित पड़ी हैं, इनको जब मैं सब कुछ सृष्टि बना दी, फिर सारे दूसरे पशु पंखी वनस्पतियां सारा फल फूल अनाज सब बना के फिर मनुष्य का देह रचा, और कितनी सुगढ़ता, कैसी सुंदरता से गढ़ा। हम जरा गहराई से सोचे, कितनी व्यवस्था उसकी, कितना अनुशासन। अब ये आंखें इधर होती, कान इधर होते, तो बताओ हमारा चेहरा कैसा कुरूप होता है, लगते हैं हम अच्छे। तो उसकी एक एक छोटी छोटी बात को भी हम ध्यान पूर्वक देखें कि उसने कितने ध्यान से, कितनी हमारी सुख सुविधा ये अच्छे लगे, इनको सारी सुविधा हो, कोई भी असुविधा ना हो, तो सारी सुविधाओं को मद्देनजर ध्यान में रखकर ब्रह्मांड की रचना की, हमारे शरीरों की रचना की। तो फिर इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वो ईश्वर हमें प्रिय लगना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। है नहीं, देखो अस्तु क्या बोला, हो जाए, हुआ नहीं है, हो जाए, होता नहीं है ना, क्योंकि हम इस तरह से गहराई से चिंतन नहीं करते और भौतिक पदार्थों में रंग जाते हैं ना, भौतिक पदार्थों में कितने लिप्त हो जाते हैं,
भौतिक पदार्थ हमें कुछ ज्यादा लाभ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पता है हम जो आत्मा है वो अभौतिक है, और जो ये पूरे ब्रह्मांड प्रकृति में से जो भी पदार्थ हैं वो भौतिक है। तो भौतिक पदार्थ अभौतिक आत्मा को कभी सुख दे ही नहीं सकता, नित्य सुख, पूर्ण सुख और आनंद वो नहीं दे सकता, उस वो तृप्ति नहीं दे सकता। तो फिर तृप्ति कहाँ से आएगी? तो तृप्ति पता है कहाँ से आएगी? जो तीसरा कौन था पदार्थ? तीसरा पदार्थ है परमात्मा। पदार्थ वो कौन सा है? वो भी चेतन है, वो अभौतिक है, वो अपरिणामी है, प्रकृति परिणामी है। देखो उसमें परिवर्तन आता है ना, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी सड़ता है, कभी गलता है, फिर उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है सो नष्ट होता है। तो वो क्या है? परिणामी। और हमारा आत्मा और परमात्मा ये दोनों अपरिणामी, इनका परिणाम नहीं आता, इनमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं आता, वो ये एक रूप जैसे हैं वैसे शुद्ध हैं। तो इसीलिए हमें जो तृप्ति मिलेगी तो हमें वो परम पिता परमेश्वर जो अभौतिक है, जो अपरिणामी है, वो ही हमें तृप्ति दे पाएगा। इसीलिए बता दिया कि इसीलिए हम क्या करें, ईश्वर को प्रिय बनाएं। उसको प्रिय बनाएंगे, जब वो हमें प्रिय लगने लगेगा तब हमें तृप्ति मिलेगी। इसीलिए बता दिया कि ईश्वर को हमें प्रिय बनाना है। तो होता मंद्रो, मंद्रो अर्थात आनंद। तो ईश्वर क्या है? सच्चा आनंद। ये भौतिक पदार्थ हमें सच्चा आनंद नहीं, अनित्य है। थोड़ी देर खाया, जब तक जबान पे, यहाँ जीभ पे है वस्तु, कितनी भी टेस्टी है, यहाँ तक है, नीचे उतरी, यहाँ तक आई, यहाँ तक क्या, अंदर ही आप रखो टुकड़े को, कोई भी अच्छे काजू कतरी को रखो 5 मिनट, फिर आप उसको देखो आपको कैसा, आपको उल्टी आ जाएगी, थूकू छी मुझे अब, फिर आप नीचे नहीं उतारोगे, वो ऐसी स्वादहीन हो जाएगी। तो ये है, इस तरह से हम जब अनुभव करते हैं तो प्राकृतिक पदार्थ ऐसे हैं, तो उनमें क्या है, नित्य सुख नहीं है, थोड़े समय का, थोड़ी समय, हाँ कुछ खाया 2 मिनट, अच्छा हाँ बढ़िया खाया, फिर पौष्टिकता भी आई, पौष्टिक वो शरीर का धर्म है, तो उसको ऐसा नहीं इसका अनर्थ करना कि अच्छा तो हम अच्छी चीज़ें ना खाएं, तो नहीं नहीं खानी है, पौष्टिक आहार, सात्विक आहार, पूर्ण आहार वो तो लेना है, क्योंकि ये शरीर का वो शरीर का है। प्राणों को क्षुब्धा और तृष्णा प्राणों को लगती है, प्राणों को भूख लगती है, प्यास, उसको तो देना, प्राणों को हमें सशक्त बनाना है, तो इसीलिए ये प्राणों का धर्म है, तो वो तो उसको देना है, पर उससे हमारे आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति मात्र परमात्मा के प्रेम से, उसके सद्गुणों से, उसके साथ संबंध बनाने से उसका आनंद हमें प्राप्त होगा, तब हमें तृप्ति मिलेगी। तो प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर, होता मंद्रो वरेण्य, वरेण्य अर्थात वरण करने योग्य। तो परमपिता परमेश्वर कैसा है? वरण करने योग्य, अर्थात हमें, हम उसको धारण करें, उसको पसंद करें, उसको प्रायोरिटी, सबसे प्राथमिकता, भौतिकता को छोड़ना नहीं। हमारा वेद समन्वय सिखाता है, भौतिकता में भी आप उन्नति करो, खूब धन कमाओ, परिवार को संभालो, पत्नी पति बच्चे माता पिता संतान सबको कर्तव्य निभाओ, अच्छे से कर्तव्य निभाओ, प्रेम पूर्ण कर्तव्य निभाओ, पर साथ साथ में आध्यात्मिकता, ईश्वर को छोड़ना नहीं। मनुष्य ने एक गड़बड़, मात्र भौतिकता, हाय मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मैं और बढ़ूंगा, ये इस तरह लिप्त नहीं होना। लिप्त होने से फिर हमारी उन्नति रुक जाती है, लिप्त नहीं होना, दोनों करना, दोनों की उन्नति साथ साथ, जिसने की उसको जीवन का लक्ष्य, उसकी जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी, वरना यात्रा निष्फल हो गई ना। फिर जिसके लिए आए थे वो किया नहीं, साधनों में पड़े रहे, साधनों की उन्नति करके क्या कुछ साथ जाना है? कोई पति कोई पत्नी कुछ साथ नहीं जाना। तो हमें साथ साथ में स्वयं की आत्मिक उन्नति करके, ईश्वर से संबंध बना के, परिवार वालों को भी पति पत्नी पूरक, एक दूसरे के पूरक होके जब वो गुणवान होते हैं तो उनके संतानें भी गुणवान, तो फिर अच्छी तरह से पूरे परिवार की जीवन यात्रा अच्छी हो जाती है ना। तो इस तरह से प्रियो नो अस्तु विश्वपतिर, होता मंद्रो वरेण्य, अंत में क्या पद आया, प्रिया स्व अग्नयो वयम, प्रिया अर्थात प्रिय, स्व अग्नयो, स्व अर्थात शुभ, अच्छा, अच्छी प्रकार, अग्नयो अर्थात संकल्प, शुभ संकल्प,
और वयम अर्थात हम सब क्या करें, शुभ संकल्प करें, अच्छे संकल्प करें। क्या संकल्प करें कि हमें ईश्वर के प्रिय बनना है। ईश्वर तो हमें प्रिय बने, ईश्वर हमें प्रिय लगे और हम ईश्वर को प्रिय लगे, तो हमें तो ईश्वर प्रिय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने इतना कुछ हमारे लिए किया, वो कारण दिख रहा है ना, इतने सारे कारण है, तो कारण है इसीलिए तो वो हमें प्रिय लगना चाहिए। पर हम ईश्वर को प्रिय लगे उसके भी तो कारण बनाओ, उसके भी तो हमें कारण बनाने पड़ेंगे, वो उपाय वो सब कुछ कुछ तो करना पड़ेगा जिसके एवज में हम ईश्वर को प्रिय लगे। तो ईश्वर को प्रिय हम कैसे लगते हैं? ईश्वर बेचारा हमारा करुणा निधान दयावान, हमारा सच्चा माता पिता, हमसे कोई कठिन बातें नहीं मांगता। प्रिय लगने के लिए वो कहता है अपना व्यवहार शुद्ध रखो, सदव्यवहार कर, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार कर, तुम्हारा मन तुम्हारा भाव शुद्ध रहेगा और तुम्हारे शुद्ध मन में मैं भी तुम्हें दिखूंगा, मेरी अनुभूति हो जाएगी। जब ईश्वर की अनुभूति हो जाती है तब मनुष्य फिर क्या करता है, जब वो देखता है हाय मेरा ईश्वर परमपिता परमेश्वर इतना सद्गुणी, इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानवान, इतना गुणवान, इतना सत्यवान, इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी सहन शक्ति, सारे के सारे गुण, तब जीवात्मा बड़ा परिश्रम, इतना अथक परिश्रम करता है पुरुषार्थ करके, उसके गुणों को धारण करता है। जब ईश्वर के गुणों को धारण करता है तो फिर उसका मन भी पवित्र, व्यवहार शुद्ध। व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो आगे कुछ भी सारे कर्म, हम जितने शुभ कर्म कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो सबसे प्रथम व्यवहार शुद्ध, व्यवहार की शुद्धि। बहुत सारे वेदों के मंत्र हैं, इतने अधिक वेदों के मंत्र हैं, उसमें बस व्यवहार की शुद्धि। जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका परमार्थ शुद्ध होगा, जिसका व्यवहार अशुद्ध है उसका परमार्थ शुद्ध कभी नहीं होगा, चाहे वो कितना भी करे, पर उसका परमार्थ हमें शुद्ध करना है। तो व्यवहार, कितनी सीधी सी बात, व्यवहार शुद्ध में भी क्या बता दिया, धर्म का अर्थ बताया सीधे शब्दों में। ऋषि मुनियों की भी कृपा देखो, बोले धर्म का अर्थ क्या है, तो बोले तीन ही शब्द, सरल। अगर एकदम अनपढ़ किसी बच्चे को या वृद्ध को बताना हो ना, जो जिसको अधिक ज्ञान नहीं, तो तीन शब्द बता दो, क्या? प्रेम प्रेम प्रेम, बताओ। अब इसमें कोई कठिन है? धर्म का अर्थ ही प्रेम बता दिया। प्रेम करो सबसे सच्चा निस्वार्थ, सबके साथ एक जैसा। ईश्वर के सारे पदार्थ सबके लिए है कि नहीं, सबको प्रेम करता है कि नहीं, एक जैसा एक रस, हमेशा प्रेम। प्रेम करो सबसे प्रेम, और जब पता है प्रेम में कितनी शक्ति है। क्यों प्रेम को धर्म का नाम दिया? क्योंकि जहाँ प्रेम रहता है ना वहाँ द्वेष रहेगा नहीं, वहाँ घृणा रहेगी नहीं, वहाँ अभिमान रहेगा नहीं, अहंकार, कुछ कोई भी दोष रहेंगे नहीं। जब दोष ही नहीं रहेंगे, दोष सारे अपने स्वतः ही हट जाएंगे। आप खाली प्रेम को उत्पन्न करो, सारे दोष अपने आप हट जाएंगे। बस दोष हट गए तो हमारा बेड़ा पार हो गया ना, हमारा लक्ष्य के एकदम नजदीक आ गए हम। दोष रहित मन कोई हमारे प्राप्ति नहीं करा सकता, दोषों को हटा के। दोषों से युक्त मन कुछ नहीं कर सकता, दोषों से विमुक्त। जब दोषों से हटता है हमारा मन, फिर सब कुछ सरल। तो हमारा कितना सुंदर छोटा सा, हम ये मंत्रों को हम उपासना में याद करके, उसके अर्थों को याद करके, यूं चुटकी में हमारा ध्यान लग जाता है, ईश्वर से लिंक जुड़ जाती है और उसके आनंद को प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। और फिर जब उसके प्रसन्नता आनंद को प्राप्त कर दिया, प्रेम को ज्ञान को प्राप्त कर दिया, फिर हमारे एक एक रोम से वही प्रसन्नता, वही प्रेम, वही सबके लिए, वो सब कुछ प्रेम प्यार अपने आप से उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा समय हो गया, आगे का हम अगली बार करते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ
शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।